गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ओ है। डायपोल की जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वो 2a है। जो एंगल है वो थीटा है और ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है। तो ये हमारा डायग्राम है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी, या किसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। चलो देखिए, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाई F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और बिकॉज F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो इसी तरह और ये डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और F2 कितनी होगी, जो नेगेटिव चार्ज वो होगी माइनस क्यू ई। तो ये इक्वेशन एक है और ये इक्वेशन दो है। तो हमने देखा इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हमने देखा कि F1 और F2 दोनों फोर्स बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं, और एक ही चीज, एक ही डाइपोल पर काम कर रही है। सो व्हेन एवर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज वर्क ऑन द सेम बॉडी एट द सेम टाइम, देन दे फॉर्म ए कपल, दे फॉर्म ए टॉर्क। तो अब हम टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क क्या होती है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। तो टाउ कितना होगा, तो कोई भी एक फोर्स हम ले लेते हैं क्यू ई इनटू इनके बीच की दूरी क्या है BC, क्यू इंटू BC, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब हम इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे BAC, इन ट्राइंगल BAC, BAC ट्राइंगल में देखिए तो होगा BC बटे AB इज इक्वल टू साइन थीटा। एज PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज ये होगा साइन थीटा, तो BC कितना आएगा, BC होगा 2A साइन थीटा, क्योंकि जो है AB है वो है 2A के बराबर, AB है 2A के बराबर। तो ये इक्वेशन, तो ये वैल्यू 4 से वापस से 3 के अंदर रखिए, तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2A साइन थीटा। और क्यू इंटू 2A, अगर आपको कुछ याद हो तो ये होता है डाइपोल मोमेंट, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो ये आएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, P साइन थीटा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लें, तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो होगा ये। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इसमें आपको, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। टाइम
टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए अब की बार ये डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, और क्योंकि डायरेक्शन यहाँ इस तरफ से इस तरफ है तो ये होगा पॉजिटिव पार्ट और ये होगा नेगेटिव पार्ट। तो ये सिरा क्योंकि पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा, ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये हिस्सा क्योंकि नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा और ये डाइपोल इस तरह रोटेट करेगा। किस तरह करेगा? इस तरह। मान लीजिए अगर इस तरह रोटेट कर रहा है और मैं इसको जबरदस्ती मैं इसके ऊपर वर्क करता हूं और मैं इसको इस तरह वापस से रोटेट कर देता हूं, तो मुझे इसको वापस से रोटेट करने में कुछ काम करना पड़ेगा, और जो काम मुझे करना पड़ेगा, जो कार्य हमने किया है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। कैसे? देखिए मान लीजिए ये डाइपोल है, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे तो ये इस तरह रोटेट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के बाय फोर्स वापस से इस तरह कर दूं तो मैंने कुछ कार्य किया इस पर, और जो कार्य मैंने किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा। जिस तरह हम एक चाबी वाली गाड़ी में चाबी देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसी तरह जब ये जा तो रहा है इस तरफ और हम इसको इसके ऊपर वर्क करके इसको ऐसे कर देते हैं, तो फोर्स के अगेंस्ट हम इसको मूव करते हैं, तो जितना हम इसको मूव करेंगे, जितना हम इस पर वर्क करेंगे, वो इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए हमने इस पर जो टॉर्क है वो कैलकुलेट कर ली है, वो है पी क्रॉस ई और पीई साइन थीटा, जो हमने कैलकुलेट की थी कि ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितनी टॉर्क होती है, उस पर इतनी टॉर्क होती है। तो हम निकालेंगे कि डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, उसके अंदर अगर हम काम करें उसके ऊपर, उसके डाइपोल के ऊपर हम वर्क करें, तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया डी थीटा एंगल पर, लेट अस सपोज वी रोटेट, वी रोटेट एट डी थीटा, सो वर्क डन इज डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ऐसा क्यों लिखा? एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह पर तो है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा डब्ल्यू थीटा वन टू थीटा टू टाउ डी थीटा, तो थीटा वन टू थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, और क्योंकि पी ई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर जाएगा पी ई थीटा वन थीटा टू साइन थीटा और डी थीटा। तो अब आप यहां आइए और देखिए कितना होगा W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा थीटा वन टू थीटा टू, और वी कैन से W इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, और W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा इतना। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि थीटा वन जीरो हो और थीटा टू थीटा हो,
तो ये कितना होगा? तो ये स्पेशल केसेस आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार देखिए कि थीटा वन है, एक थीटा टू है, तो आप एक बार पुट कीजिए थीटा वन इक्वल टू जीरो, थीटा टू इक्वल टू थीटा। एक बार आप पुट करिए थीटा वन इक्वल टू जीरो, थीटा टू इक्वल टू 90। एक बार पुट कीजिए कोस थीटा वन इज इक्वल टू 90 और थीटा। तो ये स्पेशल केसेस आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।